नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानक औषध संग्रहालय केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान झांसी, जहां हम एक आपको ऐसे संग्रहालय को दिखाने जा रहे हैं जैसे अभी तक आप जो म्यूजियम देखते हैं उसमें तमाम तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन इसमें जो हम आपको चीज़ें दिखाएंगे उसे देखने के बाद आप भी यहाँ पर एक बार विजिट करने के लिए उत्सुक जरूर हो जाएंगे। यह संग्रहालय में हम आपको बता दें कि झांसी के ग्वालियर रोड पर आयुर्वेदिक जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ है, GIC इंटर कॉलेज के पास में। चलिए आइए हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं, यहाँ के जो इंसाज हैं डॉक्टर साहब उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो ये हम आपको संग्रहालय के अंदर लेकर चलते हैं और ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये संग्रहालय है, आम संग्रहालय नहीं है जैसा कि आप देखते हैं। इस संग्रहालय में क्या खास है ये दिखाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब आगे चल रहे हैं, पूरा स्टाफ चल रहा है। चलते हैं, दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े जो आयुर्वेद है वो किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं और क्या रॉ मटेरियल होता है जिसके लिए ये संग्रहालय बनाया गया है। अब आप देखिएगा, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत उत्सुकता का विषय हम पहली बार झांसी में लेकर आए हैं। ये अद्भुत है, अनूठा है और ये हम संग्रहालय में प्रवेश कर गए हैं। ये देखिएगा आप, आपने संग्रहालय में अधिकांशतः जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें सहेज कर रखी जाती हैं वो देखे होंगे, लेकिन हम आपको पहली बार औषधियाँ किस प्रकार से उनका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर रखा जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे वे अर्जुन हो, साख है, झंडू है, जम्बू, नदी जम्बू, ये तमाम जो औषधियाँ हैं, पेड़ हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि ये अनमोल हैं, बेशकीमती हैं। और हम जैसा कि मैं कह रहा था कि अनमोल हैं, बेशकीमती है और हमारी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी कैसी खासियत है और क्यों इनको आपको देखने आना चाहिए और ये क्यों आपकी ज़िंदगी से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हैं, इसे हम जानने के लिए यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं और अन्य स्टाफ है उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन आप इसका लुक देखिएगा, एक प्रयोगशाला की तरह है ये लुक है, लेकिन ये जो म्यूज़ियम है बहुत जानदार तरीके से बनाया गया। झांसी में हम आपको पहली बार यह संग्रहालय दिखा रहे हैं, ऐसा संग्रहालय जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। झांसी में भी यह संग्रहालय है और जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये देख सकते हैं यहाँ पर अर्ककांता, पीत सुवर्चुला, भंडेर, अपराजिता समेत तमाम जो हमारी औषधियाँ हैं और जिनको हम अपनी दवाओं में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उनका क्या यहाँ पर महत्व है, और ये इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े जो आप फल देख रहे हैं ये किस प्रकार के होंगे। इसका खूबसूरत लुक है वो है हम यहाँ के जो, अब हम आपको यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात कराते हैं, जानते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर संजीव कुमार लाले। संदीप कुमार जी, अनुसंधान अधिकारी आयुर्वेद के पद पर काम कर सर ये जो संग्रहालय है यहाँ पर झांसी में, ये कहाँ बना हुआ है, क्या इसकी विशेषता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ग्वालियर रोड पे जो हमारा संस्थान है इसके अंतर्गत एक ये NMPB जो राष्ट्रीय पादप बोर्ड है इसके सौजन्य से ये हमारे यहाँ स्थापित हुआ है जी। और
ये पूरा नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसमें देश भर में जितने आयुर्वेद की औषधियाँ हम प्रयोग करते हैं उसका सचित्र यहाँ पर और सैंपल इनमें सारे रखे गए हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा सैंपल हमारे पास हैं जो आयुर्वेद में प्रयुक्त होते हैं। ये सर जो सैंपल यहाँ पर रखे जाते हैं ये क्या कंपनियों को दिए जाते हैं या इससे आम जनता का कुछ क्या कनेक्शन है? हाँ, ये आम जनता के लिए भी देखने के लिए है ये, और हम इसको स्टैंडर्ड इसका बना रहे हैं जी। तो हम इन सैंपलों का रसायन अनुभाग हमारे यहाँ है, वहाँ से फार्माकोग्नोसी से और बॉटनी से स्टैंडर्ड करके एक स्टैंडर्ड स्थापित कर रहे हैं, ताकि देश भर में जिन को आवश्यकता है इस स्टैंडर्ड की वो हम यहाँ से उनको। बुंदेलखंड के लिए इस संग्रहालय को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बुंदेलखंड में ये तो नेशनल राष्ट्रीय है, तो बुंदेलखंड तो बहुत छोटी बात हो गई हमारे लिए जी। ये तो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है। तो नहीं, राष्ट्रीय स्तर का तो है लेकिन ये बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में इस तरह का कुछ है नहीं, और ये हमारा सौभाग्य है कि नेशनल लेवल की चीज़ बुंदेलखंड में भी है, बुंदेलखंड में स्थापित हो रहा है। इससे बहुत सारे छात्र छात्राओं और रिसर्चर्स जो हैं आयुर्वेद में काम करने वाले हैं उनको एक नया रास्ता। एक जो आपका मुख्य द्वार पर अभी कार्यक्रम चल रहा है इसमें आयुर्वेदिक को लेकर, ये क्या है आयुर्वेदिक दिवस और कैसे मुफ्त पेड़ों का कौन कौन से वितरण किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम आते हैं, तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस को मनाने के लिए एक महीना पूर्व एक कैंपेन चालू किया है, जिसमें अभी काउंटडाउन चल रहा है। तो उसके अंतर्गत विभिन्न आम जन को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए काफ़ी प्रचारित हम कर रहे हैं, तो उसमें व्याख्यान देते हैं हम। हमारे इंस्टीट्यूट के लिए हमने विजिट के लिए आम जन को खोल रखा है कि आप 15 के ग्रुप में आइए, स्कूल कॉलेज को भी लेटर पहुंच चुका है कि आप हमारे यहाँ विजिट करिए और आयुर्वेद को जानें, आम पब्लिक की आयुर्वेद में क्या क्या होता है और किस तरह का रिसर्च होता है, तो इस तरह के हैं। और यहाँ पर पौधा भी हम मेडिसिनल प्लांट जो है औषधि पौधे वो वितरण उनका फ्री वितरण भी कर रहे हैं। सभी कंपटीशन भी हमने इसी सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किए आयुर्वेद दिवस पे, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता भी है हमारे यहाँ और एक वीडियो प्रतियोगिता हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 2 मिनट का वीडियो हमें भेजना है जो आयुर्वेद के प्रति जिनको लाभ हुआ है और ऐसे जिनके किचन वाटिका में आयुर्वेद हैं या औषधीय पौधे लगाए हैं उसका 2 मिनट का अगर वीडियो भेजते हैं तो उसको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाए। थैंक यू सर। तो ये आपने डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी ली और यह पहली बार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं बुंदेलखंड का है, एक बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय आप यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट संवाद आपसे निवेदन करेगा कि यदि आप आयुर्वेदिक के प्रति थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं और जागरूक होना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।